हाँ जी के चित्र में ब्रह्मा बाबा के चित्र के नीचे प्रजापिता ब्रह्मा का लिखा है। जैसे कोई प्रिंसिपल स्कूल का कहीं चला जाता है तो उसके स्थान पर जो भी वाइस प्रिंसिपल होता है उसको टाइटल मिल जाता है, तो ऐसे ही प्रजापिता के जाने के बाद प्रजापिता का टाइटल मिल गया। क्या दादा लेखराज वास्तव में ब्रह्मा नहीं है अभी, लेकिन आदि ब्रह्मा गया तो उनको टाइटल मिला। ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, लेकिन मूल ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं लव इज गॉड, गॉड इज लव। कृष्ण ने भी उद्धव को गोपियों के पास प्रेम की शिक्षा देने के लिए भेजा। तो दूसरे प्रकरण में आता है कि गोपियों को भील लूट के ले गए और क्राइस्ट के हाथों में कील ठोका गया, तो ये प्रेम की जीत है कि हार है? अधूरा प्रेम है। जैसे सत्य हमेशा रहने वाला है, सत्य कभी खूटता नहीं है, सत्य कभी टूटता नहीं है, सत्य कभी छिप नहीं सकता, सत्य सर के ऊपर चढ़ करके बोलता है, ऐसे ही लव अटूट होना चाहिए। टूटता हुआ लव नहीं होना चाहिए, यानी ज्ञान युक्त हो कि बिना ज्ञान अखंड, वही तो ज्ञान है। ज्ञान अखंड है, ज्ञान माने जानकारी, जानकारी माने सच्चाई। ज्ञान युक्त प्यार वही सच्चा प्यार है। बाबा राजा हरिश्चंद्र ने दान देकर वापस लिया, वो शास्त्रों में वैसे को नहीं दिखाया। शास्त्रों में दिखाया नहीं है, दान वापस लिया नहीं दिखाया ना शास्त्रों में। तो दिखाया है कि उसने मांगा नहीं, जैसे उसने हरिश्चंद्र ने कहा हमारी चाबी लाओ कारखाना वो उसकी उसका हाँ जो भी खजाना है उसकी चाबी लाओ, इनको दान दे दे, ये क्या बड़ी बात है। अरे उन्होंने कहा तुम तो पहले ही दान दे चुके हो सारा राज्य, फिर खजाने की चाबी तुम क्यों मांग रहे। मुख से मांगना मात्र भी चांडाल पने की बात हो गई। प्रैक्टिकल करना तो बड़ी बात, लेकिन मुख से निकले भी नहीं। तो उन्होंने बाद में मांगा बाबा। हाँ जब उन्होंने पत्नी को भी दे दिया, बेटे को भी दे दिया, दान के भी जो कुछ पास नहीं रहा, तो उसके बाद में मांगा। पहले ही मांगा, ये तो बाद की बात है। और बाबा जो मुंडमाला की चोटी है और जो मुंडमाला की चोटी है दोनों में क्या अंतर है? रुंडमाला रुंडमाना शरीरधारियों की माला, शरीर से प्रैक्टिकल कर्म होता है, और मुंडमाला है सिर्फ ज्ञान इंद्रियों से जिन्होंने काम किया है उनकी माला। काम संपन्न सिर्फ ज्ञान इंद्रियां करेंगी या कर्म इंद्रियां संपन्न करेंगी? ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान मिलेगा, जानकारी मिलेगी, लेकिन काम पूरा करने के लिए कर्मेंद्रियां भी चाहिए। तो धड़का हिस्सा कहा गया है रुंडमाला, जिसे कहते हैं विजयमाला। और जब तक कर्मेंद्रियां कर्म न करें, प्रैक्टिकल कार्य पूरा न हो, तब तक वो माला भी पूरी नहीं हो सकती। मुख है, बोल बोल करेगा, लेकिन बोल बोल करने से सिर्फ काम संपन्न हो जाएगा क्या? और देव देव महादेव सभी देवों में सबसे बड़ा कहा जाता है, तो बाबा कोई भी अनुष्ठान होता है बाहर भक्ति मार्ग का, तो गणेश को क्यों करते पाले? गणेश तो बच्चा है, ये तो शुरुआत है, लेकिन अंत जो किया जाता है यज्ञ का, उसमें अंतिम आहुति शंकर की दी जाती है, गणेश की नहीं दी जाती। उनको आदि कहते हैं और उनको अंत कहते हैं,
ब्रह्मा है गणेश का रूप, उन्होंने आदि किया, लेकिन मुरली बोला जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। और बाबा जो दशहरे का उत्सव है वो तो कलयुग से आरम्भ हुआ है, और जो दीपावली है वो कब से आरम्भ हुई? कहते हैं मानता है ना कि राजा विक्रमादित्य ने लक्ष्मी का आह्वान किया था दीपावली। दशहरा जो है वो रावण को जलाने का प्रतीक है, और रावण या कोई का पुतला तब जलाया जाता है जब वो बहुत दुख देता है। द्वापर के आदि में दुख नहीं था इतना, कलयुग जब शुरू होता है तब बहुत दुख होता है, और कलयुग में ही आकर के बाप के बच्चे जो देवताएं बच्चे हैं देवताई स्वभाव संस्कार वाले वो बहुत दुखी होते हैं, बाकी तीन योगों में सुखी ही सुख रहता है। उनके लिए तीन हिस्सा सुख और एक हिस्सा दुख है, तो जब ज्यादा दुखी होते हैं तब रावण जलाया जाता है। बाकी लक्ष्मी का आवाहन होता ही तब है जब रावण जलाया जाता है। रावण भी बना रहे, घर में कीड़े मकोड़े भी बने रहे, अस्वच्छता भी बनी रहे, अल्लाह लक्ष्मी भी का भी आह्वान हो जाए ये नहीं हो सकता। सफाई होनी चाहिए। बाबा राम रावण बनता है 21 जन्म की प्रत्यक्षता से पहले की बात में। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं या अलग अलग पर्सनालिटी है? एक ही है। तो संपन्न स्टेज में दोनों एक ही है, जो पर्सनालिटी राम है वही पर्सनालिटी कृष्ण है, लेकिन आत्माएं अलग अलग काम करती है। जब तमो प्रधान बनते हैं तो कंस बन जाता है कृष्ण, और राम बन जाता है रावण। कंस का पार्ट तामसी स्टेज में 100% और कोई बजा ही नहीं सकता सिवाय कृष्ण की सोल के, और रावण के रूप में 100% तामसी पार्ट और कोई बजाय ही नहीं सकता सिवाय राम के। तो बाबा ये जैसे इसलिए कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। बाप आने का मतलब ये है कि तुम बच्चे इतने तामसी नहीं बन सकते हो, बाप ही सबसे जास्ती तामसी स्टेज धारण करता है, अति का अंत होता है। बच्चे अति लाने में उतने पावरफुल नहीं है। हाँ क्या तो बाबा से ये जो पार्ट है बाबा जैसे एक कब बजाता है, जैसे प्रत्यक्षता के पहले की प्रत्यक्षता के बाद, जैसे श्री कृष्ण का जैसे संगम जो श्री कृष्ण प्रत्यक्ष होगा उसके पहले बजाएगा बाद में बजाएगा? प्रत्यक्ष होने के बाद ही तो अंत होता है कि पहले ही अंत हो जाएगा? अगर पहले ही अंत हो जाए तो आवाज पहले ही नहीं, लोग पहचानेंगे नहीं, कल्याण कहाँ से होगा? जब सब आत्माएं अपना अपना करिश्मा करके नीचे उतर आए और कोई का करिश्मा पूरा सफल न हो, तब अंत में बाप को अपना कार्य करना पड़ता है अजीज बच्चे के सहयोग से। तो हमको तो ज्ञान है रचयिता कौन है और रचना कौन है, कौन सी आत्मा फर्स्ट क्लास रचयिता का पार्ट बजाने वाली है और कौन सी आत्मा फर्स्ट क्लास रचना का पार्ट बजाने वाली है? कौन है संसार की फर्स्ट क्लास रचना? कृष्ण पहला पत्ता। और कौन है फर्स्ट क्लास रचयिता? राम बाप। बाबा
2018 में श्री कृष्ण का जन्म होगा बाबा, वो साधु भी कृष्ण का होगा। 2018 में सतयुग होगा या संगम युग होगा? ठेठ संगम युग होगा या ठेठ सतयुग होगा? ठेठ संगम युग होगा। तो संगम युग में तो संगम ही कृष्ण ही प्रत्यक्ष होगा। शास्त्रों में संगम भी कृष्ण का बखान है, जिसके साथ कंस की जरासिंह भी दिखाए गए हैं, यह सतयुग के कृष्ण का गायन है, संगम भी कृष्ण का गायन है। जन्म होना माना प्रत्यक्ष होना, जैसे बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो प्रत्यक्ष होता है, पहले गुप्त होता है। हाँ। बाबा सती सावित्री ने यमराज को हरा करके अपने पति को जिंदा करवाया, शास्त्र में आता है जी। तो जब उसके पति को ये मालूम हो कि मुझे इन्होंने यमराज से जीत करके, यमराज को हरा करके जीवित किया है, तो ये देही विमान होके किया या विदेही विमान होके किया उसने, या देह विमान भी किया? जो हराया है वो पवित्रता की पावर से हराया या अपवित्रता की पावर से हराया? सतीत्व की पावर से हराया। तो इसमें देहवान तो होता ही नहीं। तो जब उसको जहाँ अपवित्रता होती है वहाँ देहवान होता है। जब उसके पति को पता चले कि इन्होंने मेरे लिए ऐसा किया, तो वो शिव बाबा को याद करेगी, उसका एहसान बन रहे सारी जिंदगी, या उसका ऋणी रहे? पवित्र बनता है ज्ञान से या अज्ञान से? ज्ञान। लक्ष्मी भी पूरी पवित्र जो है वो पवित्रता कब धारण करेगी? लक्ष्मी का जो पार्ट धारी है, पहले बेसिक पार्ट धारी है, बेसिक नॉलेज लेने वाला है कि पहले एडवांस लेने वाला है? पहले एडवांस लेने वाला है, पहले बेसिक है। बेसिक में है तो उसे ये पता ही नहीं है कि दृष्टि लेना और देना ये ईश्वरीय मर्यादा के खिलाफ है, ये ज्ञान ही उसमें नहीं है। बाबा ये कब तक सती सावित्री वाला, और जैसे भाई साहब बता रहे थे बात, सती संगम की बातें, सती सावित्री का पार्ट है किसका? वेदांती माता। संसार में कोई तो 100% सत्य वाली होगी, पवित्रता को धारण करने वाली होगी, बाकी नंबर बार होंगी। बाबा तो सत्यवान मरता कब है? मरता तो है नहीं वो, दूसरों को आक्रमण में उसकी सत्य को छिपा दिया जाता है, विधर्मियों के आक्रमण। सत्य मरता है या शरीर मरता है? शरीर मरता है। तो कथाएं बना दी गई है, कथाएं बनाने वालों ने स्थूल बात उठाई है, हैं बेहद की बात है। बाबा यहाँ तो सत्यवान तो शरीर छोड़ता ही नहीं। शरीर छोड़ने की बात है या निश्चय अनिश्चय की बात है? अनिश्चय और अनिश्चय भी इसको नहीं होता सत्यवान को। हाँ जी, अनिश्चय हो ही नहीं सकता है क्योंकि साधने वाली मौजूद है। ये हो सकता है कि दुनिया के देखने में ऐसा लगा हो वहाँ, जैसे दुनिया वालों की नजर, अपनी दुनिया वालों की नजर से क्या लेना देना? दुनिया वालों की नजर से प्रभावित होना वो तो प्रजा बनना हो गया। और बाबा जैसे सृष्टि रूपी रंगमंच के हीरो हीरो हीरोइन का पार्ट है राम कृष्ण की आत्मा का, और एक तरफ कहते हैं जगतम पितरम शंकर पार्वती परमेश्वर हो, तो इनका अलग अलग आत्माओं का गायन है। सृष्टि पर जगदम्बा का पार्ट किसका है? संगम में, संगम में जगदम्बा वास्तव में तुम्हारी कौन है? कौन सी आत्मा है जो जगदम्बा का पार्ट सहन शक्ति का बजाती है? ब्रह्मा। तो हीरोइन हो गई ना। शंकर पार्वती का भी वो पहली पार्वती कौन हुई जिसने पार लगाया? फिर 76 से जब से एडवांस शुरू होता है तो एडवांस की शुरुआत का नायक कौन दिखाया गया चित्रों में? शंकर को। शंकर जब तीसरा नेत्र दिखाया गया तो साथ में चंद्रमा भी तो दिखाया गया है, तभी तो शंकर कहा जाता है, शंकर माना मिक्स। हाँ।
और बाबा मुझे में आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दान के बारे में। तो जैसे एडवांस में डायरेक्ट है, तो जब हम आते हैं कई बार बाबा नहीं मिलते हमें डायरेक्ट, तो निमित्त बहन कोई जैसे सेवा दी जाती है, तो इसका कैसे करना है? निमित्त बहन को सेवा दी जाती है, लेकिन बंद कवर करके दी जाती है ना, खुला हुआ कवर देते हैं तो इनडायरेक्ट हो गया। बंद कवर में देते हैं, बाबा का नाम लिखते हैं तो बाबा के पास ही पहुंचेगी ना। बीच में अगर निमित्त बहन कुछ घोटाला करती है तो उसका पाप बनेगा, आपका तो नहीं बनेगा। और जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, सही स्थिति में गया, वो शरीर छोड़ने के बाद की बात है या इसी जन्म की बात है? तो असली स्वर्ग कहाँ होगा? असली स्वर्ग जिसका शास्त्रों में गायन है, वैकुंठ के रूप में, जन्नत के रूप में, पैराडाइज के रूप में, वो तो अभी की बात है जो कि आने वाला है। फिर वो कितने जन्म लेंगे? राशि जन्म होंगे उनके? तो राशि क्यों होंगे, वो तो उनका लास्ट जन्म जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म हो गया। पहले है श्याम, फिर बाद में होते हैं सुंदर, उसी शरीर से। वो सारा ग्रुप कौन सा ग्रुप है? श्याम सुंदर का ग्रुप है ना, सब पहले श्याम होते हैं, आत्मा से भी श्याम और शरीर से भी श्याम, और अंत में सब सुंदर होंगे। बाबा कहते हैं भगवान लॉफुल भी है, लॉफुल भी है। तो 1984 में हमारे देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह को अमृतसर गुरुद्वारे में अकाल तख्त के सामने पेश किया गया कि सजा के तौर पर उनसे झाड़ू लगवाया, जूते साफ कराए। तो ये लॉ फुल में आता है कि लॉ फुल में आता है, जबकि वो देश के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होते हुए ऐसा कराया गया? देश में सर्वोच्च नागरिक जो बनाए गए हैं, वो कौन सा धर्म है जिसके आधार पर वो देश के सर्वोच्च बनाए गए सर्वोच्च पावर वाले? तो सबसे नीची स्टेज का धर्म है ना, और उससे ऊपर तो सिख धर्म है। तो नीचे वाले स्तर का जो मुखिया होगा उसको झुकना पड़ सकता है ना ऊपर वाले के सामने। और हाँ जी, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। चैतन्य मूर्तियां जब तैयार हो जाएंगी तो एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। चैतन्य जब प्रत्यक्ष होगा तो जड़ को कोई पूछेगा क्या? तो मंदिर मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारे सभी चलने लग पड़ेंगे। बिल्कुल उठ जाएगा, जब सच्चा निकलेगा तो झूठ तो खलास हो जाएगा ना। सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलती। बाबा संगम पर हर एक धर्म का, पहले ब्राह्मणों की दुनिया के मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे टूटेंगे या पहले बाहर की दुनिया की टूटेंगे? पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो मठ पंथ बनाए हुए हैं वो सब टूट फूट करके एक हो जाए। बाबा तो ये है कि राम बाप ईश्वर पर एक है, इतने जैसे चार धर्म पिता है। हाँ, राम बाप में तो सूर्य कुल है जो धर्म का स्थापना करता है, तो उन लोगों के पास कुल जो शक्ति है उसको लोग सुखी करते हैं। इस्लाम धर्म का चाहे बौद्ध धर्म का चाहे क्रिश्चियन धर्म का जो बीज है उनके पास कौन सी शक्ति है? तो उन्होंने नंबर वार ज्ञान नहीं उठाया परमात्मा से संगम युग में? तो जब उठाया है तो वो शक्ति भी है उनके पास संगठन की, उनका भी तो अपना ग्रुप है ना। संगठन की शक्ति है, संगठन की शक्ति है, संघ शक्ति कलौ युगे। और संगठन की शक्ति उतना ही काम करेगी जितनी प्योरिटी होगी, इसलिए बोला एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर,
एक ग्रुप दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। इसका मतलब कौन सी प्योरिटी का संगठन पहले आगे बढ़ेगा? हैं? सूर्यवंशी ग्रुप आगे बढ़ेगा। और उन्हें प्योरिटी की परिभाषा को उतना पहचाना ही नहीं होगा। यार नारेश्वर में जो नारी का प्रतीक कौन छोटी मम्मा, नारी का पार्ट किसने बजाया? नारी का पार्ट किसने बजाया? नारी का ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा ने बजाया। तो ब्रह्मा बाबा की सोल प्रवेश करके पार्ट बजाती है, पालना दे रही है। बाप का पार्ट अपना है तो अर्धनारी सर हो गया ना। एक वार्तालाप में किया था कि जो ये अर्धनारी सर सीता वाली आत्मा है, तुम सब नंबर वार सीताएं हो, तुम सब सीताएं हो, राम एक है। तो एक कौन हुआ और सब में अव्वल नंबर कौन हुआ? तुम सब जो कहा है तो तुम सब में अव्वल नंबर सीता कौन हुआ? बस जो भी आत्माएं हैं वो सब सीता का पार्ट, और जो बाप का प्रैक्टिकल पार्ट है वो राम का पार्ट। हाँ, जैसे बाप दादा बैकबोन, बाप दादा साथ है, है? तो इस बैकबोन बाप दादा में राम बाप फिर बाप हूँ। राम बाप अपने में कुछ नहीं है जब तक शिव बाप न हो। शिव बाप है तो राम बाप है, शिव बाप नहीं है तो राम बाप को भी कोई पहचान नहीं सकता, प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। मतलब राम बाप और ब्रह्मा बाबा का गाय नहीं है, बैकबोन बाप दादा नहीं है, राम बाप और शिव बाप का। जब हम बाप कहते हैं तो बुद्धि जानी चाहिए जिसका कोई बाप नहीं। प्रजापिता का भी बाप है लेकिन शिव का कोई, शिव का कोई बाप नहीं। बाबा बेहद के ड्रामा में बीज रूप जो आत्माएं हैं वो भूत प्रेत तो कहीं बनती तो नहीं होंगी? जो पाप कर्म करेंगी तो भूत प्रेत नहीं बनेंगे। जो दूसरे धर्म वाले हैं वो देवताओं को मानते हैं या सूक्ष्म शरीरधारियों को मानते हैं? सूक्ष्म शरीरधारियों को मानते हैं। इन सूक्ष्म शरीरधारियों की शक्ति को ही बहुत बड़ा मानते हैं, जैसे अल्लाह अवलदीन की कहानी दिखाई है तो उसमें जिन्नात है वो ही सब कुछ माना गया है। जो आत्माएं ज्यादा पाप करने वाली हैं, ज्ञान को पूरा नहीं समझा है इसलिए पाप करती है, और जिन्होंने ज्ञान को पूरा ही समझ लिया, सूर्यवंशी बच्चे हैं, वो पाप कर नहीं सकते क्योंकि बाप को पूरा पहचानते हैं। तो सूक्ष्म शरीरधारी क्यों बनेंगे? संपूर्ण बनेंगे या सूक्ष्म शरीर के बंधन में रहेंगे? संपूर्ण बनेंगे। बाबा मैंने बीज रूप आत्मा को मैंने कहा, बीज रूप आत्माएं भी अलग अलग प्रकार की हैं। कोई इस्लाम धर्म की बीज है, कोई चंद्रवंश की बीज है, कोई क्रिश्चियन धर्म की बीज है, कोई सूर्यवंश के बीज है। तो और धर्मों के जो बीज हैं उनके ऊपर छिलका और धर्मों का चढ़ेगा कि सूर्यवंशी का चढ़ेगा? जरूर और धर्मों का छिलका चढ़ेगा। तो पहले संपन्न बनेंगे या बाद में संपन्न बनेंगे? बाद में संपन्न बनेंगे। बाबा मैंने संगम की बात नहीं की, मैंने सारे बेहद के ड्रामा में जो सतयुग और कलयुग के जो स्टार्ट होता है, कलयुग तक चलता है, उसमें भूत प्रेतों को बनते हैं बताया ना। जो और धर्मों के बीज हैं, दूसरे दूसरे धर्म के बीज हैं, जब और धर्मों से प्रभावित हो जाते हैं तो प्रभावित होना माने उनकी प्रजा बन जाना, तब ही वो पाप कर्म करेंगे, उससे पहले नहीं। और बाबा जो लक्ष्मी है वो प्रजापिता की पहले 21 जन्मों में लगातार संगनी बनती है, फिर 22वें जन्म में क्या जगदम्बा बनती है? जगदम्बा, जगदम्बा का पार्ट होगा, जहाँ जगत होगा वहाँ जगदम्बा होगी।
आत्मा तो सत्य को त्रेता में तो जगत होता ही नहीं। और लक्ष्मी जो है वो भारत माता का पार्ट है या जगत माता का पार्ट है? लक्ष्मी का जगत माता का पार्ट है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जगत माता बने तो असुरों की भी माता बने, असुरों की माता बने तो असुरों का संग करना पड़े, असुरों का संग करना पड़े तो असुरों का संग का रंग भी लग जाएगा, मोह भी पड़ जाएगा। मोह के बंधन में माता पड़ेगी तो पूरा ही दुर्गति हो जाएगी। और है सूर्यवंशी कृष्ण और प्रजापिता अलग अलग है। नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। ये चारों बातें मुरली में बोली तो ये चारों अलग अलग हैं, अलग अलग पर्सनालिटी है या एक ही पर्सनालिटी है? एक ही पर्सनालिटी है। बाबा बोल रहे हैं प्रत्यक्षता के बाद बाबा के बच्चे रहेंगे या नहीं रहेंगे? अरे प्रत्यक्षता के बाद अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो प्रत्यक्षता होने से क्या फायदा हुआ? बाबा अकेला क्या करेगा? हाँ वर्ल्ड वालों को पता लगेगा। हाँ हिम्मत उलास सब कुछ बढ़ जाएगा। हाँ जी हाँ जी, प्रत्यक्ष होने के बाद से सब कुछ जैसे डबल प्रत्यक्ष होने के बाद पावर ज्यादा मिलेगी, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। आज सुबह की मुरली में मैंने सुना कि 10 वर्ष के बाद बाप प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तो उसके बाद हम सन्मुख कैसे होंगे? हैं? आज सुबह की मुरली में सुना कि 10 वर्ष बाद बाप प्रत्यक्ष हो जाएंगे। 10 वर्ष बाद बाप प्रत्यक्ष होंगे और बाप बाप दादा अभी 2000 के आसपास की आवेशवाणी में बोला है, बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए बाप दादा और दुनिया के सामने गुप्त हो गए। तो चुनाव हो रहा है बच्चों का, जो अव्वल नंबर बच्चे होंगे तो उनके सामने कभी अप्रत्यक्ष होंगे क्या? कभी अप्रत्यक्ष होने का सवाल ही नहीं। उनके सामने भी अप्रत्यक्ष हो जाएंगे तो फिर प्रत्यक्ष कौन से ग्रुप में होंगे, किसके बीच में, कौन सा कोई परिवार की इकाई होगी, वही तो जन्म होगा। प्रत्यक्षता रूपी जन्म जो होगा क्या अकेले ही हो जाएगा? कोई तो परिवार होगा। उस परिवार में तो बाबा प्रत्यक्ष है ही है बाबा। हैं? सूर्यवंशी परिवार में तो प्रत्यक्ष है ही है बाबा। वो परिवार भी विस्तार में होगा या पहले सार रूप में होगा? पहले सार रूप में होगा। बाबा अभी तो विस्तार हो रहा है, ठीक है, तो अभी सार कहाँ दिखाई पड़ रहा है? जो सारी दुनिया का सार बीज है उसमें ही अनिश्चय पैदा हो रहा है, घड़ी घड़ी निश्चय और घड़ी घड़ी अनिश्चय, तो दूसरों की तो बात बहुत दूर की रह जाती है। बाबा बच्ची में हो रहा है, कृष्ण वाली आत्मा में हो रहा है, औरों में थोड़ा हो रहा है। अरे जो बच्चा है सो ही बाप है, मुकर्रर रस तो एक ही है, फिर जब उसी में घोटाला पैदा हो रहा है तो दूसरों में घोटाला नहीं होगा। कहां बाबा राम वाली सोल को कहां निश्चय पैदा हो रहा है? राम वाली सोल में निश्चय नहीं पैदा हो रहा है। जिसको निश्चय पैदा, जिसको निश्चय होगा वो आड़ा रहेगा, जिसको अनिश्चय होगा वो तिरकना चलेगा। इसका मतलब बाबा ये होगा कि जो नौ धर्म के बीज हैं उनके अंदर बाप प्रत्यक्ष होगा, उनके मतलब निश्चय हो जाएगा। उन धर्मों की जो नौ धर्मों की आत्माएं हैं उनको निश्चय हो जाएगा, तभी प्रत्यक्ष होगा। असदेव अरे कोई तो परिवार में तो बच्चा पैदा होता है, तो जिस परिवार में पैदा होगा उन परिवार वाले भांतियों को पहले पता चलेगा, उनके बीच में पहले प्रत्यक्ष होगा कि गांव वालों को पहले प्रत्यक्ष हो जाएगा? पहले तो परिवार वालों को प्रत्यक्ष होगा ना बाबा। हाँ जैसे ब्रह्मा के बोलते हैं तो वो भी क्षेत्र में पूरे हो गए। 3 साल कार्य का, 30 साल ब्रह्मा का कार्य है, तीस से तीस शंकर का कार्य है, तीस से तीस बोला है भी विष्णु का कार्य है, तो विष्णु का कार्य कब से चलेगा? फिक्स नहीं है, ऐसे नहीं कि हम 33-33 साल तीनों के बांटते हैं। एवरेज बताया कि ब्रह्मा ने 68 में शरीर छोड़ा,
तो टोटल उनका कार्यकाल कितने साल का हुआ? 33 साल हुआ। ऐसे ही शंकर का पार्ट है, जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो शंकर वाली आत्मा ज्ञान में आ गई होगी या नहीं आ गई होगी? तो वो भी 33 साल है। जैसे ब्रह्मा सन 47-48 में प्रत्यक्ष हुआ, सन 46 में तो कोई जानता नहीं था ये ब्रह्मा है, 36 में। ऐसे ही शंकर के बारे में, शंकर वाली आत्मा भल ज्ञान में आ जाती है लेकिन उसकी पहचान कोई को नहीं होती, पहचान होती है 76-77 से। जैसे ब्रह्मा की पहचान ब्रह्मा के रूप में कब से हुई? जब से बुद्धि में आना शुरू हुआ कि ये ब्रह्मा है, ये सरस्वती है, ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। पहले ब्रह्मा कुमारी विद्यालय था क्या? नहीं था, ओम मंडली थी। जब इन दोनों का पार्ट पूरा हो। हाँ बाबा, और जुआ में हार गए क्या? हारे तो नहीं है लेकिन वहाँ दिखाया गया कि थोड़े समय के लिए लगा ऐसा कि हार गए। सत्य कभी हारता ही नहीं है, वो सत्य सत्य नहीं है जो हार जाए। है तो बात बाबा, जैसे संगम पर की बातें हैं, तो वो लगता है कि जैसे वो हार गए लेकिन हारे नहीं। हाँ, हारे नहीं। अंतिम विजय सत्य की होनी है। द्वापर से लेकर के लगातार संघर्ष चलता रहता है सूर्यवंशी आत्माओं का विधर्मियों के साथ। विधर्मी जीतते रहते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि सूर्यवंशी हार गए, हारे भी नहीं। हारा हुआ उसे कहा जाता है जो फिर दोबारा हिम्मत न करे, हारा हुआ वो जो छोड़ के भाग जाए। जो लड़का रहे वो काहे का हारा है? वो नहीं हारा, टाइटल से गिर गया, उठ के खड़ा हो गया। तो गिरा हुआ थोड़ा ही है। बाबा, जुआ खेलना एक सामाजिक बुराई है और धर्मराज ने इस पार्ट को क्या सोच करके बजाया? संगम के रूप में इसकी रिहर्सल हुआ कि वो तो उन्होंने स्थूल जुआ दिखाया है या सूक्ष्म जुआ है? बेहद का, ये तो बेहद का जुआ है। तन धन दाम स्वर्ग परिवार सबकी बाजी लगा दो सच्चाई से। पांडवों ने सच्चाई से बाजी लगाई, क्या सब कुछ तेरा? और कौरवों ने झूठी तरीके से अपना अपनी मुट्ठी में रखा और पांडवों का भी अपनी मुट्ठी में ले लिया, तो ये तो झूठी बात हो गई। पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी स्थान नहीं देंगे। यहाँ कोई बैठा हो जिसे संदली पर बैठ करके बोलने का चांस दिया जाता हो तो बताए, बेसिक नॉलेज में दिया गया? फिर तीनों का 33 साल जैसे बांधा हुआ है तो बाबा शंकर का पार्ट बोले हैं कि शंकर का तो पार्ट है ही नहीं, थोड़ा सा है विनाश करने के लिए। पार्ट जो होता है कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है या मनबुद्धि से बजाया जाता है? तो शंकर का पार्ट तीसरे नेत्र का है विशेष, तीसरा नेत्र खोला तब विनाश हुआ। क्या गायन है? तो मनबुद्धि का पार्ट है। मनबुद्धि से वाइब्रेशन ऐसा बना दिया जाए कि उस वाइब्रेशन में जो आए सो चेंज हो जाए, तो पार्ट थोड़ा ही कहा जाएगा। शक्तियों ने संघार कारण ही पार्ट बजाया। प्रैक्टिकल देखने में शक्तियां आई लेकिन शक्तियों को प्रेरित करने वाला कोई तो होगा। ऐसे ही करते हैं जैसे अभी शिव बाबा कर रहा है। आप होते भी जा रहे हैं। बाबा
महाजन सामने आने से पहले सोचते हैं कि बाबा से कुछ पूछेंगे, लेकिन बाबा सामने आते भूल जाते, इसका क्या कारण है? बाबा अपने वाइब्रेशन में बिंदु रूप में खींच लेता होगा। बाबा आपने बताया ना कि जैसे शंकर का कोई पार्ट ही है, तो विष्णु का कर्म इंद्रिय पार्ट क्या होगा? विष्णु तो प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्टी है, प्रैक्टिकल पार्टी, प्रैक्टिकल में स्वर्ग बना के दिखा देगी ना, ये स्वर्ग है। ब्रह्मा ने प्रैक्टिकल दिखाया, वही वो अजमेर, अजमेर शरीफ का मॉडल बना हुआ है, भक्ति मार्ग में स्वर्ग का मॉडल बनाया ना वहाँ, ऐसा कराची में बना दिया, फिर वो स्थाई रहा। फिर जैसे मकान बनाते हैं, महल बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका ढांचा तैयार कर देते हैं, तो ढांचा असली है या असली बनेगा कुछ और? तो ऐसे ही 47-48 में जो संगठन बनाया वो तो एक ढांचा था अल्पकाल के लिए, सैंपल था। और शूटिंग के अंत में धर्म अदालत बैठेगी, बाप के साथ धर्मराज भी होंगे, धर्मराज एक ही रथ में होंगे या अलग अलग? अरे कोई भी महकमा होता है तो अकेले एक ही करता है महकमे का संचालन, क्यों सहयोगी और भी होते हैं? फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक ही जज बैठा रहता है कि वो नंबर बार और दूसरे आते रहते हैं, कुर्सी एक ही रहती है, फिर संचालन कोई करे? बाबा वो जज जैसे स्कूल में बैठेंगे कि वो जैसे बेहद की बातें हैं? सब बेहद की बातें हैं, लेकिन सजा स्कूल में मिलेगी, ऐसे नहीं कि सजा तुम वो संकल्पों से खत्म कर दोगे। स्थूल शरीर धारण करा के सजा दूंगा। ये बाबा जैसे गीता का भगवान जैसे श्री कृष्ण जैसे शिव बाबा है, इसके लिए जैसे मुरली में बोला है कि जैसे कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो कोर्ट स्थूल है जैसे जो कोर्ट ये वाला कोर्ट है कि जैसे बेहद का भी कोर्ट कोई है? बेहद का कोर्ट नहीं है, बेहद का कोर्ट काम नहीं कर रहा है ब्राह्मण की दुनिया में। ये तो बेहद का बाबा कोर्ट है, है? लेकिन वो हर्ट के कोर्ट में जाना पड़ेगा। मुरली में तो बोला था ये सब सेंटर्स अगर विनाश ना हो वे संक्षेत्र में, तो ये सब सेंटर्स हम गवर्नमेंट को दे देंगे। फिर उस गवर्नमेंट ने ले पाए तो कौन सी गवर्नमेंट ले रही है? फिर और बाबा कहते हैं ना आप एक बार बच्चों पर दृष्टि डाल दो तो बच्चे निहाल हो जाएंगे नजर से, तो ऐसा काम करो ना आप विलापन खत्म हो जाए तो भी का बोतल विलापन रहता है। चेंज हो जाओ ना बाबा, माया बात करती है बोतल विलापन आता है। जो होगा अगर है बाबा के सिर्फ दृष्टि मारने से ही सारी दुनिया का परिवर्तन हो जाए, फिर तो मजमे में इकट्ठे होके बैठते जाएं और एक मजमे में लाखों लोग आ जाते हैं, तो बड़ी जल्दी छूमंतर हो जाएगा। लेकिन परिवर्तन तो उतना ही होगा जितना हिम्मत करेंगे। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, बाप कुछ नहीं करता है, तो सिर्फ भावना है, भावना के आधार पर कह देते हैं बाबा करता है सब कुछ, बाबा तो करता है। बाबा जैसे हर महीने गीता पाठ मंथन क्यों करते हैं और कोई नई माता आ जाती है या कोई भाई आ जाता है तो उसके साइन करवाने चाहिए क्या? कोई भी आए साइन तो सभी के लेना चाहिए एंट्री रजिस्टर में। नया आए पुराना आए, कोई नया आए उल्टा पलटा काम करके चला जाए, कोई पुराना आए उसके अंदर माया आ जाए और उल्टा पलटा काम करके चला है, पकड़ोगे किसको? बाबा ने जो डायरेक्शन दिए हुए हैं उन डायरेक्शन को स्ट्रिक्ट होकर के फॉलो करना चाहिए। कम से कम नाम पता जरूर लिखवाओ जो भी नया आए। कई बाबा उनके दिखते डर भी जाते हैं, दिखते भी डरते भी हैं, अंदर चोर भरा होगा तो डरेंगे। हाँ जी, जन्म होगा
तो वो कृष्ण सभी सूर्यवंशी बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो जो सबके सूर्यवंशी है। ठीक है ठीक है। 9 लाख के बीच में प्रत्यक्ष होंगे। 9 लाख पक्के होते हैं कि 9 लाख में सब धर्म के बीज होते हैं? 4.5 लाख पक्के होते हैं। 4.5 लाख सब धर्म के बीज हैं या पक्के हैं? तो मिक्स है, हैं? 16,000 में भी, 16,000 में भी कोई तो ऐसे ऐसे होंगे जो त्रेता के लास्ट जन्म में जाकर के ताज पतलून मिलेगा, एक जन्म के लिए प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे, बाकी उससे पहले के जन्म में दास दासी बनते रहे। बाबा 2005 में वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में गया था मैं, तो वहाँ पर पत्र लिखा दादियों को कि जो सतयुग में नेचुरल फूड खाते हैं हम सभी, तो उसकी शूटिंग संगम युग में भी नेचुरल फूड से होनी चाहिए। वो 56 प्रकार के व्यंजन खाने से कैसे बुद्धि हमारी सतो प्रधान बन पाएगी? तो मेरे पास जवाब नहीं आ रहा। यार मैंने खेती किस लिए चलाई जा रही दुनिया में? आग्रहण खेती जो चल रही है उसमें तो यूरिया नहीं डाला जाता है, उसका नाम ही रखा है यूरिया यूरिन। आग का पकाव वाले फिर भी खाते हैं, तो इसमें पकाव नष्ट हो जाते हैं सभी। तो कम पकाओ ना, ज्यादा क्यों पकाते हैं? सब्जियों में कहते हैं आग होती नहीं, जरूरत क्या है जब वहाँ पका हुआ फल ही इतना ढेर प्रकार का मिलता है, सूखे हुए मेवे मिल रहे हैं ढेर तरह के, तो उसकी जरूरत ही क्या रहेगी? है? हाँ जी हाँ ठीक है हाँ। अमरनाथ की कथा का दूसरा नाम है तीसरी की कथा, तीसरी का मतलब मीनिंग तीसरी की कथा माने तीसरे नेत्र की खुलने की कथा, तीसरा नेत्र खुला माने तीसरी की कथा हुई। तीसरे की कहना चाहिए था, तीसरे की क्यों? तीसरा नेत्र खुलता है, तीसरा नेत्र खुलने की शुरुआत तो है 76 और संपन्नता है 18। उत्तमधारी आत्माएं बाप से लेते हैं, उत्तम फिरधारी आत्माएं बाप से लेते हैं। मैं उनका उद्धार कैसे होगा? उनकी सदगति नहीं होती है क्या? जब उनकी सदगति होती है तो दृष्टि भी लेनी है। कई बार भूत प्रेत के बारे में बोलते हैं लोग, आवाज आई मेरे को, आवाज सुनाई दी। वो आवाज होना और आँखों से दिखाई पड़ना ये उन्हीं को दिखाई पड़ता है जिनके ऊपर वो सवार हो सकते हैं। मतलब सूक्ष्म से सारी आवाज तो नहीं कर सकता मैं। वो सुनाई पड़ता है ऐसा, लेकिन आपको दूसरों को सुनाई नहीं पड़ेगा। तो कोई प्रभाव से प्रभावित इतना ज्यादा हो जाता है कि भय का भूत खड़ा हो जाता है, ऐसे आवाज भी उनको सुनाई पड़ती है। कमजोरी के कारण होता है, कमजोरी के कारण होता है। प्रभावित होना कमजोरी नहीं है? जो गीते में मुरली चल रही है वही सुनाई है, उसमें बोलते हैं बाप दादा जी कहते हैं, बाप तो उधर जाता ही नहीं है, तो बाप दादा शब्द क्यों आता है? वो मनुष्य कहते हैं या मुरली कहती है? मुरली में आया ना क्या बाप दादा कहते हैं? अव्यक्तवाणी है ना, मुरली थोड़े ही है, अव्यक्तवाणी को मुरली थोड़े ही कहेंगे। जो अव्यक्तवाणी है, जब ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में प्रवेश करती है तो वो अव्यक्त आत्मा कार्य कर रही है, गुलजार दादी की आत्मा जो है वो गुम हो जाती है या प्रत्यक्ष रूप में रहती है? गुलजार जिसमें प्रवेश होता है वो शरीरधारी ही गुम हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है, इसलिए वो अव्यक्तवाणी है।
ब्रह्मा बाबा में जब शिव प्रवेश करते थे तो ब्रह्मा की सोल अव्यक्त थोड़ी हो जाती थी, इसलिए वो व्यक्त वाणी है, साकार वाणी है। ब्रह्मा बाबा बोलते हैं उसमें, तो ब्रह्मा बाबा बाप दादा क्यों बोलते हैं? है बाप दादा इसलिए बोलते हैं कि जब ब्रह्मा की प्रवेशता होती है उस समय उनके सामने पूरा मजमा बैठा हुआ होता है। जिस समय मजमा बैठा हुआ होता है तो उस आत्मा को अपने ऊपर विशेष अटेंशन रहता है, विशेष बाप की याद में रहती है। जितना तुम मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाबा कई बार वो बाप दादा के बारे में भी ब्रह्मा बाबा बताते हैं। हाँ बाप दादा जिस बाप दादा के बारे में बताते हैं वो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला है, प्रैक्टिकल में बताते हैं। हाँ वो प्रैक्टिकल में सूक्ष्म स्टेज में रहने वाला बाप दादा है। और बाबा ये कन्याओं को जैसे हम संबोधन में बहन या बुजुर्गों को माताएं कहते हैं, तो ये बड़ी मम्मी या छोटी मम्मी आएंगे उनको भी संबोधन में क्या कहा जाएगा? बड़ी माँ छोटी माँ संबोधन में क्या परिवार में नहीं होती है बड़ी माँ छोटी माँ, छोटा बड़ा दादी अम्मा नहीं होती है? जब छोटा बड़ा बाप है, छोटा बाप बड़ा बाप, बाप भी तो दो हो गए, छोटा बाबा बड़ा बाबा। बाबा शरीरधारी को कहा जाता है, तो छोटा बाबा कौन हुआ, बड़ा बाबा कौन हुआ? अरे छोटा बाबा हुआ ब्रह्मा बाबा, और बड़ा बाबा हुआ शिव बाबा। एक बात मुरली में बोली है, बाबा कहा जाता तो नाम जरूर चाहिए। हाँ बाबा होगा तो कोई शरीरधारी में ही प्रवेश करेगा ना, साकार में प्रवेश करेगा, माने साकार नामधारी है। आज तो साइंस वाले ये उड़न पटरी का खबर देते रहते हैं, कहते हैं एलियंस आते हैं। साइंस वाले वो बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्यों नहीं कहते रहते हैं? वहाँ से क्यों छोड़ के चले जाते हैं, इधर उधर भागते हैं? सच्चाई कुछ नहीं, वो भूत प्रेत आत्माएं हैं जो दिखाई देती हैं और चली जाती हैं, सबको नहीं दिखाई देती उड़न तस्करियाँ। और बाबा ये किसी ने बताया कि ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 13 अप्रैल 2036 में काफी बड़े भूभाग का विनाश हो जाएगा। काफी बड़े भूभाग का हो जाएगा, टोटली विनाश हो जाएगा। हाँ वो अपना अनुमान बता रहे हैं। आती है ऊपर है ये तो आत्मा आएंगी शरीर लेके नहीं आएंगे। अरे उड़न तस्करियाँ कोई है ही नहीं, आएंगे शरीर छोड़े हुए व्यक्ति हैं जो वो रूप धारण कर लेते हैं। शरीर छोड़ के तो गए लेकिन वो फिर साकार में जन्म नहीं लेंगे। ले भी सकती है, क्यों नहीं लेंगे? उन्होंने क्या ज्ञान ले लिया है या कोई दृष्टि ले रही है या ज्ञान में चल रही है जो किसी में प्रवेश करके बाबा से दृष्टि लेंगे और ज्ञान सुनेंगे एडवांस? बच्चों को मैं ज्ञान देता हूँ, कन्या होती हैं क्या वो भरती हैं क्या नती हैं? क्यों बाबा के साथ कन्याएं नहीं है? बाबा के साथ जो कन्या सेंटर होती हैं उनको नती कहेंगे क्या गृहस्थी कहेंगे? अरे बाबा के साथ उनकी बेहद की गृहस्थी नहीं है, ये गृहस्थी तो उनको कहते हैं जिसकी गृहिणी हो। तो गृहिणी नहीं है, गृहिणी बाबा के घर नहीं संभाल रही है? जो कन्याएं सरेंडर हुई है वो बाबा का घर नहीं संभालती क्या? गृहिणी किसे कहा जाता है? जो घर संभालती है सही गृहिणी। ब्रह्म कुमारी हो कहो सन्यासी, इधर नहीं सन्यासी कहा जाएगा। इसलिए मुरली में बोला है उन सन्यासियों के आश्रम के सामने ही आश्रम खोल दो, बड़ा मजा आवेगा। जैसे चंडीगढ़ में आया है रेवाड़ी में भी ऐसे खुलेगा। हाँ जी भाज के दौड़ी।
और बचपन जो सागर बाबा के मुख से सागर बाबा मुरली हो गई। हाँ फिर उसके बाद जो बाबा ट्रेडिशन दे रहे आज तो क्लासिफिकेशन को था ही नहीं। लेकिन ये है कि वो रात भर में पढ़ी जाती है, वो कैसे सुनेंगे तो रात भर की कैसे को कौन सुनेगा बैठ करके गोसे गोसे की आवाज में, आवाज तो उसमें निकलती ही नहीं। साँस साँस वाली आवाज निकलती और ये एक घंटे में पूरी वाणी हो गई तो फायदा हुआ है नुकसान हुआ, फायदा हो गया। छह घंटे पूरी रात लग जाती है। हाँ।